हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नितिन गंगवानी। आई एम ए सीएएस पेरेंट और आज हम बात करने वाले हैं टीडीएस के छोटे से सेक्शन पे 194J के बारे में। हम इस टॉपिक पे क्यों बात करने वाले हैं, क्योंकि हाल ही में जैसे ही आप असेसमेंट ईयर 2021 और 22 की फाइलिंग शुरू करेंगे, उसके अंदर जैसे ही आप 26AS डाउनलोड करेंगे, आपको इस सेक्शन में छोटा सा चेंज मिलेगा। वो चेंज क्या है? वो चेंज है 194JA और 194JB। अब 194J है क्या? पहले इससे पहले हम समझते थे कि TDS क्या है। जैसा कि आपको पता है, TDS क्या होता है? टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, यानी जिस भी सोर्स पे आपकी इनकम जनरेट हो रही है उसी सोर्स पे आपका टैक्स डिडक्ट हो जाएगा। और 194J आपका आता है फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज एंड प्रोफेशनल सर्विसेज। पिछले साल डिक्लेयर्ड फाइनेंशियल बिल के अंदर इसके अंदर छोटा सा ट्विक किया गया था, हल्का सा चेंज था, बट उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। क्या चेंज है? चेंज इतना सा है कि अब फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज 194JA के अंदर आएगी और फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज 194JB के अंदर आएंगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि इससे पहले फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज और प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए एक ही रेट लग रही थी, जो कि थी 10%। अब इसमें चेंज आ गया है, अब टेक्निकल सर्विसेज के लिए आपको 2% देना है और प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए 10% देना है। अब टेक्निकल सर्विसेज और प्रोफेशनल सर्विसेज क्या होती है? बहुत सिंपल सा डिफरेंस है। आप कोई भी प्रोफेशनल सर्विसेज देते हैं, मान लीजिए लीगल हो गई, आपका कोई लॉयर वगैरह की कोई एडवाइस रही हो गई, या आप टैक्स की सर्विसेज ले रहे हैं, टैक्स कंसल्टेंसी ले रहे हैं, या डॉक्टर इंजीनियर कोई भी प्रोफेशनल लेवल सर्विसेज आप ले रहे हैं, तो उसके लिए आपको 10% डिडक्ट करना होता है। और टेक्निकल सर्विसेज के अंदर अपने आती हैं साइंटिफिक चीज़ें या टेक्निकल स्टफ, जैसे हम कंप्यूटर डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर या और कोई भी चीज़, जियोलॉजिकल या साइंटिफिक सर्विसेज के रिगार्डिंग आप कोई भी टेक्निकल सर्विसेज लेते हैं, तो उसके लिए आपको 2% काटना होता है। अब ऐसा चेंज क्यों लाया गया? देखिए, इसका चेंज लाने के पीछे मकसद इतना सा था कि 194C, जो कि आपका होता है कॉन्ट्रैक्टर के लिए, जब भी आप किसी कॉन्ट्रैक्टर से कुछ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उस पर आपको TDS काटना होता है, तो वहाँ 2% की रेट थी। अब उस 2% की रेट को इसके साथ पैरिटी में लाया गया, यानी सिमिलैरिटी में लाया गया, ताकि कोई कन्फ्यूजन नहीं हो TDS डिडक्ट करते वक्त। सो जब भी आप 26AS खोलें और उसमें आपको ये सेक्शन नया दिखे, तो ये ध्यान रखिएगा कि 194JA आपकी टेक्निकल सर्विस के लिए है और 194JB प्रोफेशनल सर्विस के लिए है। इसके बारे में अगर आपको ज़्यादा जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, हम इसके ऊपर दूसरी वीडियो भी बनाएंगे अगर आपको कुछ इसके बारे में एक्स्ट्रा जानना है तो।